Hi guys, this is Adil Khan. I just had a fun interview with Vipul Bhatt sir. Do swipe up to watch the video on Vipul Bhatt's YouTube channel. Thank you. नमस्कार दोस्तों, विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स, या आप मुझे शायद इसी नाम से जानते हो, और हाँ एक और नाम भी है, मतलब एक मेरे सब्सक्राइबर ने एक बार एकदम कह दिया था, सर आप तो इतने सारे मैसेजेस देते हो, जाने के मॉल खड़ा कर दिया। तो एक आइडिया अच्छा था, बोला एक मॉल, तो तब से मैंने विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स तो कहता ही हूँ, बट अपने आप को एक ऑडिशन मॉल भी कहता हूँ। तो आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि आप लोगों के, काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, कुछ लोग मुझे फ़ोन करके पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ लेते हैं, बट काफ़ी ऐसे सवाल आपके दिमाग में होंगे जो आप पूछना चाहते हैं बट पूछ नहीं पाते। तो मैं आप लोगों की तरफ से, एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, एक प्रतिनिधि की तरफ से, एक ऐसे बंदे को लाया हूँ जिसे आप लोग जानते हो। आपने उस बंदे को फिल्म भिंडी बाजार में देखी है, फिल्म फ्रेडरिक में देखे हुए होंगे, और टिकटॉक के स्टार है, और वो है हमारे आदिल खान, जो कि मेरे बड़े गर्व की बात है, सब्सक्राइबर भी है। तो वर टू आदिल। आदिल, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी सबसे पहले। एंड यस, सर ने सही कहा कि मैं इनका सब्सक्राइबर भी हूँ, सबसे पहले मैं शायद आपका सब्सक्राइबर था, के बाद से ये चीज़ें शुरू हुई है। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। काफ़ी चीज़ें हैं एज एन एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, और एज एन आउटसाइडर भी, जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो आई वुड वॉन्ट टू आस्क। आई एम एट योर डिस्पोजल। तो सबसे पहला सवाल मेरे माइंड में जो ये आता है कि आप पैसे चार्ज कर रहे हो इस सर्विस का, बहुत सारी जगहों पर यही सर्विस फ्री में दी जा रही है, तो इसकी कोई खास वजह कि आप इस चीज़ को पेड कर रहे हो? बहुत बढ़िया सवाल अदल। देखो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, और मतलब व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करना और एडमिन बन के ग्रुप में ऐड करना, मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे ग्रुप से इसमें लोग ऐसे मैसेजेस पोस्ट करते रहते हैं। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप में 257 मेंबर्स होते हैं, लेट्स से 250 मेंबर्स हैं। अब किसी ने एक मैसेज यहाँ से उठा के डाल दिया, किसी ने एक मैसेज यहाँ से उठा के डाल दिया, किसी ने एक मैसेज, बहुत सारे मैसेज है। तो अभी तुम, व्हाट इज योर एज आदिल? 25 रहना। अब तुमको 25 की उम्र के मैसेज चाहिए, मेल, और 25 की उम्र के मैसेज। अब जिसने भी, जो 250 लोगों ने मैसेज डाले होंगे, जैसे 50 लोगों ने मैसेज डाले, उन्होंने आदिल को ध्यान में रखे मैसेज नहीं डाले। ट्रू। किसी ने कहाँ से कुछ उठा लिया, एक बच्चों का मैसेज आ गया, एक फीमेल का मैसेज आ गया, एक बुटों का मैसेज आ गया। सब तुमको अभी आज ऑडिशन के लिए जाना है, तो तुमने देखा ये ग्रुप में 50 मैसेजेस है, 50 लोगों ने डाले हैं, 4-5 गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ गए, कोई ईद मुबारक आ गया, कोई होली मुबारक आ गया, कोई नो ऑल दो मैसेजेस आ गए, और तुम्हारी उम्र के तुमको 3 मैसेज मिले। ओके, आज के दिन अब तुम एक प्रोफेशनल एक्टर हो। ओके, तो तुम बोलोगे चलो और 10 ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ऐसे 10 ग्रुप तुमने ज्वाइन किए, और 10 ग्रुप में 50-50 मैसेज रोज पढ़ते हो, मतलब 500 मैसेजेस पढ़ते हो, और हर ग्रुप में से 3-3 मैसेज निकलते हैं, 30 मैसेज निकलते हैं। एक एक्टर होने के नाते ये तुम रोज का अपना इतना टाइम क्या स्पेंड करना तुमको मुनासिब लगता है? तो मैं जो करता हूँ, आप लोगों का काम मैं आसान कर देता हूँ। कि मैं ये सब
जो गधा मजूरी आप लोग करते हो, मैं काम इकट्ठा करता हूँ, मैं सबके मैसेजेस इकट्ठे करता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रॉड मैसेजेस निकाल देता हूँ, जो फ्रॉड बंदे जिनको मैंने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी के मैसेजेस मैं छांट के मेल फीमेल में डिवाइड करता हूँ, एज वाइज डिवाइड करता हूँ। मतलब आदिल को मेल मैसेजेस चाहिए 25 साल के, तो आदिल का ग्रुप जो है, जो तुम जानते हो तुम्हारा ग्रुप, तो 16-30 वाले मेल ग्रुप में तुमको सिर्फ तुम्हारे ही काम के मैसेज मिलेंगे, और जो 50 मैसेज पढ़ोगे तो 50 मैसेज मेल मैसेजेस होंगे, 25 के 30 वाले होंगे। वो वहाँ पर वो गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आएंगे, गुड इवनिंग नहीं आएंगे, होली मुबारक नहीं, ईद मुबारक नहीं, कुछ नहीं। तो इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल ग्रुप ज्वाइन करना तो ये है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत है, बट इस फील्ड में अगर कोई लोग मुझे कहते हैं आई एम द पायोनियर, तो किसी ने अगर शुरुआत अगर की है तो वेल आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ पायोनियर। एब्सोल्युटली, बहुत सही वे में आपने क्लियर कर दिया। सो बेसिकली यू टेकिंग मनी टू बाइफोकेट द ऑडिशन मैसेजेस, बिल्कुल, एज पर द एज ग्रुप, एज पर द जेंडर। तो अगर मैं एक सब्सक्राइबर हूँ, अगर आप एक सब्सक्राइबर है, तो इट बी वेरी इजियर फॉर यू, आपको वही ऑडिशन अपडेट्स आएंगे जो आप जिसमें फिट है। बिल्कुल, ओके, दिस इज अ वेरी हार्ड वर्किंग थिंग यू डूइंग, जो आप उनका टाइम सेव कर रहे हो। बिल्कुल, और क्या एक आप रोज है ना आपकी एनर्जी, सी व्हेन यू फेसिंग द कैमरा यू शुड बी फ्रेश एनर्जेटिक, तो आप ये एक स्ट्रेन वाला काम है, कहीं ना कहीं एक हल्का सा स्ट्रेन आ जाता है, उससे अच्छा आप उठो, फ्रेश हो, चाय पियो और निकल पड़ो ऑडिशंस के लिए। अच्छा दूसरा क्या, अभी तो फिलहाल तो सब ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं, बट जब ओपन ऑडिशंस हुआ करते थे तो तुम्हारे पास लिस्ट है सुबह उठ के कि आज मुझे कहाँ कहाँ ऑडिशन के लिए जाना है, तो ओपन ऑडिशंस का पूरा लिस्ट जब तो देता हूँ तो तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ता। याद करो बचपन में स्कूल जाने के लिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड में तुम थे, तो स्कूल की बैग उठाकर निकल पड़े, तुम टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स निकालते नहीं थे, क्यों? क्योंकि अगली शाम को तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी स्कूल बैग तैयार कर दी थी। मैं वो काम तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि तुमको कल कहाँ का ऑडिशंस के लिए जाना है तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं रात भर मैं मैसेज इकट्ठे करके तुमको दे देता हूँ, तुम सुबह उठो और ओपन ऑडिशन स्टूडियो कहाँ कहाँ है, आज 10 जगह पर है, बट ये मराठी वाला है मुझे मराठी नहीं करना है, ये भोजपुरी है मुझे, अच्छा ये 4 ऑडिशन मुझे करना है, तो तुम फोकस्ड होते हो, तुम सिर्फ वही 4 जगह पर जाते हो जहाँ तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें ये लिस्ट नहीं मिलता तो तुम 10 स्टूडियोज में जाओगे, सर मैं फिट हूँ, नहीं फिट हूँ, अच्छा ठीक है ओके, 10 जगह जाओगे, 8 जगह से ठोकर खाओगे, 2 जगह जाओगे तब तक तुम थक गए हो, यू आर ड्रेन्ड, पसीने से लथपथ हो, और 2 बजे से निकले रात को 8 बजे जहाँ ऑडिशन के लिए जा रहे हो, यू कैन नॉट गिव दैट एनर्जी टू द कैमरा। बट मैंने जब तुमको सिर्फ 4 ऑडिशन के बारे में बताया तो तुम सिर्फ और 4 जगह पे जाओगे, यू आर फ्रेश, यू आर एनर्जेटिक एंड यू गिव योर बेस्ट टू द कैमरा। एब्सोल्युटली, नहीं, वेरी वेल फ्रेश्ड, एंड आई थिंक मुझे वापस से बहुत पूरी क्लैरिटी आ चुकी है कि हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, सो अगेन वेरी थैंक्स टू यू फॉर डूइंग सच थिंग फॉर अस पीपल। मेरे लिए थैंक्स ये होता है जब तुम जैसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हो ना, उसकी जो खुशी तुमसे ज़्यादा मुझे हो जाती है, कि व्हेन आई हर्ड दैट ओके भिंडी बाजार आदिल खान इज देयर, फ्रेडरिक आदिल खान इज देयर, और एक नई फिल्म भी है बट आदिल ने बताने को मना किया है तो मैं नहीं बताऊंगा, बट आई एम रियली प्राउड एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर। मीन्स अ लॉट सर, आप ऐसा कह रहे तो, बट बहुत सारे एक्टर्स यही होते हैं कि मुझसे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कभी कभार मे बी दे आर नॉट एट द राइट पाथ। इट वॉज गुड फॉर मी दैट आई केम अक्रॉस समवन लाइक यू, बट अगर कोई ऐसा अननोन है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो वॉट आर द वेज थ्रू विच ही कैन ज्वाइन यू? अच्छा, इट्स वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर तो है नहीं। ओके, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, जाना पहचाना नंबर है, जो हम लोग यहाँ जो हम लोग बायो में मेंशन करेंगे, हम डिटेल्स में मेंशन करेंगे, सो एनीवन वांट टू जॉइन दे कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड जॉइन, दे कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, जस्ट से हाय एंड आई विल सेंड देम द डिटेल्स। अब जो मेरे रेट्स जो है ना, आई डोंट चार्ज रेट्स की, मंथली जो रेट्स होते हैं वो मंथली होते हैं, इफ यू जॉइन मी एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ आई चार्ज अ सर्टेन फिगर, इफ यू जॉइनिंग द फर्स्ट सेकेंड थर्ड टेंथ तक के लिए, जैसे आपके 10 दिन गुजर जाते हैं ना, मैं क्या कहता हूँ वो रेट में थोड़े पैसे डिडक्ट कर देता हूँ, तो ताकि आपको नुकसान ना हो। ओके, तो दिस इज माय वे ऑफ चार्जिंग। दूसरी एक बात है कि जो व्हाट यू आर सेइंग, देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल अराउंड हियर, उनको नहीं मालूम होता है कि इंडस्ट्री में सचमुच का कितना काम होता है, कितने मैसेजेस होते हैं, तो हाफ द टाइम जब मेरे को लोग जुड़ जाते हैं दे आर शॉक्ड, सेकंड सर इतने सारे मैसेजेस, बोले हाँ सर, मतलब हम दूसरे ग्रुप में थे, फ्री ग्रुप में थे, बट हमें नहीं पता था इंडस्ट्री में इतना काम है, एंड दे आर लिटरली शॉक्ड। अच्छा अभी तो बिकॉज ऑनलाइन हो गया है जी, तो आप घर बैठे ही सेल्फ ऑडिशन देकर भी दुनिया, आप बॉम्बे में बैठे बैठे दिल्ली के ऑडिशन दे दो, कोई दूसरी सिटी का बंदा भी आपका ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर। अच्छा क्योंकि क्या हुआ है, सी देयर आर सर्टेन ऑडिशन, वहाँ बोलते हैं ओनली मुंबई बेस, ओनली पंजाब बेस, ऐसे बोलते हैं, बट कई जगह बोलते हैं पैन इंडिया, पैन इंडिया। अगर मैं कोलकाता में बैठा हूँ, बॉम्बे में ऑडिशन दे रहा हूँ, और बॉम्बे के ऑडिशन में मैं क्लिक हो जाता हूँ, सो मैं जाऊँ आऊँगा कैसे, प्रोडक्शन कॉस्ट। एब्सोल्युटली, तो मतलब
आप कोलकाता में बैठे बैठे मुंबई के ऑडिशन देते हो, इफ इट इज अ पैन इंडिया ऑडिशन, तो आप कहीं से भी हो, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो यू आर ट्रैवलिंग एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. आपका आना जाना, खाना पीना, रहना, सब कुछ प्रोडक्शन में. तो व्हाई नॉट, येस यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. और हाँ, अगर बोले कि नहीं यू हैव टू बी बॉम्बे बेस्ड ओनली, तो अगर उनका बॉम्बे में शूट होने वाला है देन डेफिनेटली दे विल नॉट पे यू फॉर द ट्रैवलिंग एंड रहना खाना पीना. बट इफ यू आर सिलेक्टेड, इफ यू हैव सम रिलेटिव्स और तुम्हारे को रिलेटिव्स यहाँ है और तुम यहाँ रह सकते हो, तो भी वो ऑडिशन कर सकते हो तुम. ओके सर, जो मैसेज आते हैं ऑडिशंस के आपके ग्रुप में, उसमें एक एक्टर करेगा क्या उस मैसेज के? एक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी ऑडिशन दिया नहीं है बट वो देना चाहते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली दे हैव टू प्रोवाइड टू द कास्टिंग डायरेक्टर? पिक्चर्स और ऑडिशन लिंक, व्हाट इज इट, उनको क्या बनाकर भेजना होगा वहाँ पर? वेरी गुड क्वेश्चन. और राधा, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता होगा. दोस्तों, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया तुमने, मतलब तुमने तो किया ही है, बट आप लोगों के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपको तो इस ग्रुप में आप मेल फीमेल हो उस हिसाब से ग्रुप बना है. एज वाइज बना है, चार अलग अलग एज ग्रुप है. 0 से 16 साल का बच्चों का ग्रुप है, 16 से 30 साल के जो नौजवान हैं द यूथ ऑफ टुडे, 30 to 45 वी क्लासीफाई देम एज स्लाइटली मिडिल एज, बिकॉज 30 नॉट एग्जैक्टली मिडिल एज, बट 30 to 45 मिडिल एज एंड 45 प्लस हमारे जैसे ओल्डीज. ओके, यंग एट हार्ट डेफिनेटली. तो आप अपने मैसेजेस देखिए, वो मैसेजेस सपोज आपके एज ग्रुप के आपने देखे 30-40 मैसेज हैं. ओके, सब मैसेज आपके काम के नहीं होंगे. यू सो इट्स लाइक अ बुफे आई एम सर्विंग. आप शादी में जाते हो, बुफे में 25 आइटम रखी होती है. आप 25 आइटम नहीं खाते, आपकी पसंद की 4-5 आइटम खा लेते हो. तो यहाँ पर मैसेजेस तो बहुत सारे होंगे, आपको ये देखना है कौन से मैसेजेस आपके प्रोफाइल को फिट होती है. किसी ने बोला होगा हमको गोरा चिकना चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए. आप देखो कि क्या आप गोरे हो, आप सांवले हो, उन्होंने हाइट जो मांगी वो हाइट आपकी मैच होती है. अगर ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच होती है तो आप उन्हें अपना प्रोफाइल भेजिए, ओनली इफ इट मैचेस. अगर मैच नहीं होते आप ऐसे ही स्पैम करते रहोगे ना, ट्रू, ब्लॉक हो जाओगे. सर, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट प्रोफाइल? प्रोफाइल भेजिए एज इन क्या होता है उसमें? प्रोफाइल देखो, मैंने अपनी तस्वीर भेज दी आप लोगों को जी. तुम्हारी तस्वीर से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि तुमको ड्राइविंग आती है नहीं आती है. ओके, साइकिलिंग आती है नहीं आती है, स्विमिंग आती है नहीं आती है, डांसिंग आती है नहीं आती. और अगर डांसिंग आती है तो कौन से, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू. एक तस्वीर से बंदा खाली एक गोरा है, चिकना है, ऐसा अपीयरेंस से दिख पाए बस, तो उससे ज्यादा, जबकि एक्टिंग में बहुत सारी चीजें होती है. सो अब प्रोफाइल में, जैसे हम जॉब में एक रिज्यूमे देते हैं ना, तो आपको प्रोफाइल में एक 5 अच्छी तस्वीरें दोगे, एक क्लोजअप होगा, ओके, एक दो कमर तक के मिड होंगे और एक दो फुल होंगे. ओके, अच्छा, ये तस्वीरें जो अगर आप पोर्टफोलियो की दोगे और एडिटेड की हुई दोगे जी, तो इट्स रॉन्ग, क्योंकि रियल में फिर वो डिफर करे. हाँ, आप सांवले और उधर आपने गोरा बना दिया है तो आप उधर से रिजेक्ट होके आ गए. डोंट डू दैट, अपनी रियल तस्वीरें दीजिए. ओके, अब ये तस्वीरें दिया, उसके साथ साथ आपको अपने बारे में लिखना है कि हाँ, मेरा नाम आदिल खान है, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी हाइट ये है. नहीं, अभी मैं नहीं बताऊँ आदिल खान, इसी बारे तुम भी बता दो लोगों को तुम्हारी हाइट, वेट, प्रोफाइल और सब. बिल्कुल, मेरा ऑडिशन भी हो जाएगा. सो मायसेल्फ आदिल खान, माय नंबर इज विल बी मेंशन देयर. माय हाइट इज 5'10", माय वेट इज स्टिल ग्रोइंग एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स. आई एम टॉकिंग टू पीपल सर इज अ प्रोफाइल, आई एम लुकिंग हियर इज अ प्रोफाइल. सो दैट इज द हाउ वी मेक योर ऑडिशन. देन he knows two wheelers, he knows four wheelers, absolutely. He knows swimming, he knows dancing, he is a very talented guy. Matlab yahan par wo baat karne ke liye, but I cannot miss out on that opportunity. He is very talented. It's a gist of what you need to create in your and he's graduated, postgraduate or graduated in filmmaking, advertising, in advertising and filming. Matlab ye aise hi nahi banne aage actor banne. And let me tell you, his skills have come from his parents also. Absolutely. So, yes. Any casting director out there who's looking for a 25-year-old guy? Yes, he is it. Or ha? मेरा ये profile better है. I should have said there, but it's okay. We can change it even now. No, it's okay, sir. It's too late now. Okay. So, well, that's it. So, profile में ये सब चीजें आती हैं. Okay. Your region, your mother tongue. Where I've come from. What are the where you've come from? Because sometimes you know. Mother accent, वो mother tongue का भी हो जाता है. बिल्कुल, because मदर टंग का इशू. एट टाइम्स योर लैंग्वेज इज अ फ्यूजन लैंग्वेज. फ्यूजन लैंग्वेज मतलब हिंदी तो बोलते ही हैं, पर हमारी हिंदी से पता चलता है कि आ तो गुजराती मानस हिंदी बोले छे, है ना. ये तो पारसी मानस है ना, ये बाबा आउ शू करे छे, ये तो हिंदी में भी बोलता है ना, तो बाबा तो पता चल जाता है. सो दैट इन्फ्लुएंस एट टाइम्स, ऑफकोर्स एज आई सेड, इट इज अ कॉमिक इन्फ्लुएंस रिक्वायर्ड, बट एट टाइम्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो एक आपका इन्फ्लुएंस क्या है आपकी लैंग्वेज पे, दैट इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ दे वॉन्ट सीरियल है हिंदी सीरियल, पर उसमें गुजराती नेबर का कैरेक्टर है, तो मैं आ सकता हूँ.
और ये सारी डिटेल्स मेंशन होती है उस मैसेज के अंदर। यू हैव टू मेंशन ऑल दोस थिंग इन योर प्रोफाइल। लोग प्रोफाइल आधा अधूरा भेजते हैं तो इट्स नॉट गुड। आपका पासपोर्ट है, यस आप मेंशन करो पासपोर्ट। आपको कौन सी भाषा अच्छी आती है, एक अच्छी आना एक अलग बात है, भाषा आना अलग बात है। ओके, सो व्हाट लैंग्वेज इज योर कंफर्टेबल, व्हाट इज योर मदर टंग, और आप साउथ से हो नॉर्थ से हो, या दिस थिंग मैटर बिकॉज नॉर्थ इंडियन के लुक्स, यू नो व्हाट आई मीन, सॉरी देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड चिंकी विच इज नाउ बैंड ऑफ कोर्स। तो एक उनका लुक्स डिफाइन हो जाता है, सो ऑल दोस लुक्स मैटर फॉर अ कैरेक्टर। तो आपका प्रोफाइल बहुत परफेक्ट होना है, और प्रोफाइल में इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क जैसे आदिल जैसे, तो आदिल विल अटैच हिज वर्क लिंक्स। ओके, द थिंग्स आई हैव डन इन माय पास्ट। यस, आपने पुराना जो काम किया हुआ है उसके जो आप प्रूफ उसका प्रूफ है, उसके वीडियोस एडिट करके अपना हिस्सा वर्क लिंक्स लगा, और जिसने काम नहीं किया है वो अपने ऑडिशन लिंक्स लगाएंगे। ये ऑडिशन लिंक क्या है वो तो शायद हमने अभी डेमो भी करके दिखाया उन्हें। हाँ, तो ऑडिशन लिंक में आप छोटे छोटे पैराग्राफ ले लीजिए, एक पॉजिटिव कैरेक्टर का, एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक कॉमिक कैरेक्टर का, मोनोलॉग्स और एक ऑडिशन वीडियो अच्छा सा बनाइए। अच्छा, ऑडिशन वीडियो जब आप घर पे बनाते हो तो हमारे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा था कि लोग ऑडिशन लिंक बनाते हो पीछे कुकर की विसल बजती है, किसी के टीवी की आवाज़ आती है, क्या बच्चे खेलते हैं। नो, बी अ प्रोफेशनल बिकॉज यू आर इन अ प्रोफेशन। इधर आप टाइम पास के लिए नहीं आए, आपके पीछे बैकग्राउंड एक सही होना चाहिए, वेयर इट इज़ अ बैकग्राउंड विच डजंट वेरी क्लियर बैकग्राउंड। आपके चेहरे पर लाइट अच्छी आती हो, एंड Yes, sound should be clear. Your dress code should be according to the character that you're playing. Okay. तो इस तरह से ऑडिशन लिंक बनाओ, एक पॉजिटिव कैरेक्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक कॉमिक कैरेक्टर, एक दो इंट्रोडक्शन लिंक बनाओ। वाई एक दो, मतलब समटाइम्स आस्क यू इंट्रोडक्शन विदाउट योर फोन नंबर, समटाइम्स आस्क यू विद योर, एक पांच चीज बना के रखो तो जब ही जो मांगे भेज दो। तो दिस इज इट्स कंप्लीट। और बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, ये जो वर्क लिंक जब बनाते हैं ना तो उसमें भी क्या करो, तुमने पॉजिटिव कैरेक्टर भी किए होंगे, नेगेटिव भी किए होंगे, एंड कॉमिक कैरेक्टर भी किए होंगे। सो क्लासीफाई दैट आदिल खान एज अ कॉमिक कैरेक्टर, आदिल खान एज अ नेगेटिव स्टूडेंट यूनियन लीडर, आदिल खान एज एन ओबीडियंट सन। क्या होता है कि मैं कास्टिंग के लिए बैठा हूँ तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई पॉजिटिव कैरेक्टर, एक अच्छे बाप के अच्छे बेटे का कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ। तो इन दैट केस आदिल खान पॉजिटिव नेगेटिव इतने सारे हैं। अच्छा, पॉजिटिव कैरेक्टर, ओ एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग आउट फॉर। उस बंदे का तुम टाइम बचा लेते हो, उसका टाइम बचाने का फायदा ये होता है कि आदिल खान शॉर्टलिस्टेड, सो यू हैव सेव्ड दिस टाइम। तो व्हेन यू मेंशन पॉजिटिव नेगेटिव उससे उसका काम आसान हो जाता है, और तुम्हारे लिए भी वो काम आसान हो जाता है। तो आई बिलीव मैंने बहुत सारा बोल दिया। हाँ सर, काफी सारा बोल दिया, और ये काफी इन्फॉर्मेटिव है। यूजुअली इतनी ट्रांसपेरेंसी से कोई बात बताता नहीं है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आ रही है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत से लोगों की हेल्प करेगी। बट सर कभी कभार क्या होता है कि इतना सब करने के बाद भी कितने स्पैन में इस इंसान को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं सर। वो 100 जगह मैसेजेस पे अपने ऑडिशंस दे देते हैं बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो दे फील लाइक गिविंग अप। इज देर एनी मैसेज यू वांट टू गिव दोज पीपल? यस आदिल, अनफॉर्चुनेटली आई एम यूजिंग द वर्ड अनफॉर्चुनेटली, देर इज नो टाइम स्पैन आउट हियर। ओके ओके, किसी को 2 साल लग सकते हैं, किसी को 20 साल लग सकते हैं। एंड जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई कैन कोट दिस थिंग, बॉबी नाम की एक फिल्म आई थी 1974 में, जहाँ ऋषि कपूर और डिम्पल ने डेब्यू किया था, वहाँ पर प्रेम चोपड़ा वॉज द मेन विलन। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, दैट वॉज अ वेरी फेमस डायल। उनके हेंचमैन आप देखोगे ना, आप अमरीश पुरी जी को देखोगे, हेंचमैन, ओके, लुक एट दैट कैरेक्टर, दैट वॉज 1974। और कुछ सालों पहले मैंने एक फिल्म देखी, वहाँ पर अमरीश पुरी इज द मेन विलन और प्रेम चोपड़ा उनके राइट हैंड है, हेंचमैन नहीं है और उनके राइट हैंड है। तो लुक एट दैट प्रोसेस, मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, दैट वॉज 1974, तो वहाँ के 26 साल गिनो और यहाँ के इवन 2015 अगर गिनते हैं, 26 और 15, 41 ईयर्स ही हैड दैट पेशेंस। तो पेशेंस इज अ की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है वो आप जानते हो, आपके सेविंग्स क्या है, आपके फाइनेंस की परिस्थिति क्या है, आपके पेरेंट्स आपको कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब देख के आपको डिसाइड करना है। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम वेल टू द फैमिली और इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है बीवी बच्चों की या माँ बाप की, यस स्काई इज द लिमिट, बट अगर ये सब जिम्मेदारियां हैं और आप एक पराये शहर में आके रहते हो, आपके पैसे टूटते जाते हैं, आप कहीं बाहर से आए हो, बॉम्बे में रह रहे हो, जगह का भाड़ा है, रोज का ट्रैवलिंग, खाना पीना, ऑल दो थिंग्स, एंड काम नहीं मिल रहा है, तो आपके सेविंग्स टूटते जा रहे हैं जी, आप क्या करते हो, मम्मी पापा से वापस डिमांड करते हो। वो उनके बुढ़ापे के लिए जो बचाए हुए पैसे वो तोड़ तोड़ के तुमको भेजते हैं। Absolutely. Don't do that. So time yourself. In that case, I would say time yourself. Give yourself 2 years, at the most 3 years. अगर नहीं हुआ, अलविदा कहकर चले जाओ। There's no harm, at least तुम और तुम्हारे घर वाले
खुश रह सकोगे, जिंदा रह सकोगे. बिकॉज कई लोग ऐसे डेस्परेट होके बाद में यू नो द नंबर ऑफ सुसाइड दैट हैपन. एब्सोल्युटली आई डोंट वांट दैट टू हैपन. या तो खुद मर जाते हैं या खुद घर वालों को बर्बाद कर लेते हैं. मतलब एक हम अपनी ख्वाहिश और अपने जज्बातों के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खेलें जी, वो अच्छा नहीं है. सो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है हर आदमी को अलग आंसर होगा. इट डिपेंड्स ऑन हिज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. इफ आई एम कमिंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, मेरे पापा ने बोलकर बेटा तू करते रहते अब तक तू सक्सेसफुल है, मैं तेरे को खिलाते रहूंगा. नो हार्म, या नो हार्म. बट इफ यू आर अ मिडिल क्लास फैमिली, और कई लोग बोलते हैं सर मैं गरीब हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो मुझे उनकी दया आती है, मुझे ना बोलना पड़ता है. क्यों? मतलब ये नहीं कि क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होता है कि मनी वाइज की गरीब और अमीर, बट यहाँ तुम सर्वाइव नहीं कर सकोगे और आखिर तुम गलत कदम उठाओगे. उस वक्त तुम मेरे को पूछने को नहीं आने वाले. एंड नोबडी कैन हेल्प यू आउट, क्योंकि तुमने ही वो रास्ता चुना है. तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपना सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अपनी परिस्थिति, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब देख के डिसाइड करना है. एग्जैक्टली. आई विल समराइज विद व्हाटएवर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार. आई हैव वन क्वेश्चन टू कंक्लूड द सेशन, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिवाइंड द होल थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट. दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु कम इन दिस इंडस्ट्री इस होप से कि वो एक दिन बहुत बड़े एक्टर बन जाएंगे, और उन्हें डायरेक्टली एंटरटेन नहीं किया जाता प्रोडक्शन हाउसेज में. तो वो कहते हैं कि ये हमारी ईमेल आईडी पर आप अपने प्रोफाइल भेज दीजिए, जो आपको कहीं ना कहीं ऑडिशन ग्रुप्स में अवेलेबल होती है. जैसे आपने हमें बताया कि आप कैसे किस तरीके से एज ग्रुप, जेंडर वाइज और रीजन वाइज भी बाइफोकेट कर इन लोगों को देते हैं, ताकि उनके लिए ईजी होता है कि वो अपने घर बैठकर लोगों से कॉन्टैक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके. इसलिए नहीं ताकि वो सिलेक्ट हो जाए, बट एटलीस्ट वो शॉर्टलिस्ट हो जाए. बिल्कुल. जितनी स्ट्रांग आपकी नेटवर्किंग होगी, उतना स्ट्रांग चांसेस होता है कि आप अपने आप को लोगों से मिलकर अपना काम हासिल कर सको. सर बहुत यहाँ पर गुड प्रोडक्ट. देखो आप किसी वो जो फ्री वाले ऑडिशन ग्रुप में जुड़ते हो और आपने दिन में 2 या 3 मैसेज देखे, या लेट्स से 10 मैसेज देखे, आपने 10 मैसेज में अपना प्रोफाइल भेजा. नॉट हर जगह शायद आप मैच होते होंगे, बट लेट्स से 10 मैसेज में फिर भी आपने अपना प्रोफाइल भेजा. और यहाँ मेरे ग्रुप में से आपको 50 मैसेज मिलते हैं, उसमें से 25 मैसेज में आपने अपना प्रोफाइल भेजा. सी 10 में भेजना, 25 में भेजना, प्रोबेबिलिटी 25 में बढ़ जाती है. तो ये नहीं कि मैं किसी को काम दिलाता हूँ, बट मैं जो आपको काम की प्रोबेबिलिटी बढ़ा के देता हूँ, क्योंकि मैं जो सिलेक्शन का प्रोसेस आपके लिए ईजी बना, आई गिव यू मोर ऑप्शंस. That is a major thing. You're working as a bridge between the talented actors and the casting person people. Who's casting. Absolutely. Sir, बहुत से लोग हैं. I'll conclude the session. I won't take much of your time. Sure. Many people try to avoid the whole long process of that, and they get in the trap of someone saying कि आप हमें एक काम करो, इतना अमाउंट दे दो और मैं आपको डायरेक्ट रोल देता हूँ. So that is also one way of people entering into the industry. How genuine this process is. हाँ नहीं, ये इंडस्ट्री में एंटर तो नहीं कर पाते, बट उस बंदे का बैंक बैलेंस बढ़ते जाता है. अच्छा. एंड बाद में वो इनका फोन उठाना बंद कर देता है. Okay. बिकॉज देखो मैंने आज लेट से तुम्हारी पहचान है, तुमने मुझसे, मैंने तुमको कहीं कास्ट तो कर दिया जी. मैंने तुमसे 20-25 हज़ार ले लिया. अब प्रॉब्लम ये थे, आर यू एबल टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वहां पर? Exactly. जब तुम वहां नहीं हो सकते हो आए, इफ आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट रोल, देन बिल्कुल माय मनी इज वेस्टेड. तो उधर से वो जो प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम मेरे पे चढ़ बैठेगी, बेटा तू किस तरह का कास्टिंग करता है? मतलब मेरा तो धंधा बैठ जाएगा अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूं और मैं गलत लोगों को कास्ट करता हूं, तो दूसरी बार कोई मुझे कास्टिंग का काम नहीं देगा. सो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर विल नॉट डू ऑल दोस थिंग्स. तो वो ये सब कौन कर रहा है? जो फ्रॉड्स होते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको कास्टिंग ही नहीं है, उनको सिर्फ पैसे लेना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है. Exactly. और आपके फोन नहीं उठाने हैं. 6 महीने बाद क्या करेंगे? नंबर बदल देंगे, नए नंबर से नए नाम के साथ आ जाते हैं, और इनको ऐसे फ्रॉड मिलते रहते हैं बिकॉज लोगों को शॉर्टकट की एक आदत हो गई है, मेहनत नहीं करना है जी. ये सवाल आपसे बस इसीलिए पूछा था ताकि हम लोगों को एक क्लैरिटी आए कि देर इज नो वे, देर इज नो शॉर्टकट. एज लॉन्ग एज यू टैलेंटेड, देयर इज द ओनली पॉइंट यू विल गेट अ रोल इन दिस इंडस्ट्री. बिल्कुल बिल्कुल. मेहनत. और मैंने एक अच्छी से एक टैगलाइन बनाई है, आई थिंक यू विल अग्री विद दैट, कि अगर आपको एक्टर बनना है देन ओनली टैलेंट मैटर्स. टैलेंट मैटर्स. और अब मैं अगर टैलेंट है देन ओनली ऑडिशंस मैटर. परफेक्ट. तो ये हुआ, तो बस हो गई बात. परफेक्ट परफेक्ट. It was nice having you, sir. And before we depart our ways, I just want to tell our audience that Vipul sir here is doing a great service by running a YouTube channel. Industry ke sahi log ek program hai jo unke channel par hai, where he is himself appointing all the good casting people, bringing them here in the studio and having a conversation with them just for you, so you can know what exactly is happening in the industry. और हमारी ऑडियंस को पता चले कि सही लोग, सही काम और सही चीज़ें कैसे हो रही है. एंड यू डूइंग इट एब्सोल्युटली फॉर फ्री, एक चैरिटेबल सर्विस समझकर. बिल्कुल बिल्कुल.
जस्ट डूइंग इट फॉर द स्ट्रगलर्स, फॉर द पीपल हु, ताकि वो कहीं भटक ना जाए, ताकि वो किसी गलत चीजों में ना आए. बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से ये क्या हो रहा है. जेनरस तो इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट माय आइडिया इज दैट टुवर्ड्स सोसाइटी, यू नो, गिविंग बैक टू सोसाइटी जो होता है कि इट्स इंडस्ट्री ने मुझे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच नोबडी एल्स माइट डू. जैसे कि ना, हु विल बिल्ड अ कैट. तो मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो सही लोगों से अनजान है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म बिटवीन द सही लोग एंड द स्ट्रगलर्स. और क्योंकि ये सही लोगों को भी नए चेहरे चाहिए, दे ऑल्सो वॉन्ट न्यू फेसेस. इनकी भी उनको गरज है, उनको भी इनकी गरज है, बट दोनों की पहचान कौन करे. आई एम डूइंग दैट, अ गॉडफादर इन ट्रू सेंस. आई एम थैंकफुल टू दैट. सो प्लीज यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. एंड आप अपने घर बैठे ही जान सकते हो कि कौन है सही लोग, और अगर आपको लगे कि वो चीज़ें सही है, देन यू कैन ज्वाइन द ऑडिशन अपडेट्स. एंड सर, मैंने देखा है और आपको 3-3 बजे भी अपडेट्स डालते हो. नहीं, मेरा ये 24/7 काम है. यस, आई एम 24/7. मैं शायद 3 या 5 बजे तक जाता हूँ, जब तक मेरे चैट विंडो जीरो नहीं हो जाते. बिकॉज सी, आई हैव गॉट अ ग्रुप ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स. दो ग्रुप बने हुए इंडस्ट्री के सही लोग कास्टिंग डायरेक्टर, तो उनके तो मैसेजेस मैं डालता ही हूँ. उनके मैसेज सबसे पहले मुझे आते, क्यों? क्योंकि उनकी जब रिक्वायरमेंट होती है तो उनको पता है कि मेरे इतने सारे ग्रुप्स है, तो उनका रिक्वायरमेंट जल्दी फुलफिल हो जाता है. उसके अलावा बाकी ग्रुप्स में से भी निकालता हूँ, तो बहुत सारे मैसेज होते हैं. अच्छा, वो मैसेज लेना भी, फिल्टर भी करना, और वो डालना, तो टाइम लग जाता है. एंड इफ आई वॉन्ट टू मेक यू ऑल सक्सेसफुल, तो मेरी तरफ से कुछ तो योगदान होना चाहिए ना, बस मेरी वही कोशिश है. सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने टाइम निकाला और अब ये सारी चीज़ें कर रहे हो, और आप करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द पीपल. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू वॉच दिस इंटरव्यू. एंड आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या कैसा लगा हमारी बात. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं एक नहीं, बहुत सारे आदिल खान चाहता हूँ. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सक्सेसफुल लाइक हिम. मच मोर देन मी, इंशाल्लाह. यू विल ऑल बी एन आदिल. गॉड ब्लेस यू एंड आई रियली विश द स्टार्स फॉर यू. शुक्रिया सर, शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए. हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए, विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स.